गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो होने वाली है अमेज़ॉन हॉल। सो इसमें आपको ब्यूटी हॉल दिखाने वाली हूँ। मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय करे हैं फ्रॉम अमेज़ॉन जो इस तरह से मैंने रखे हैं। और जैसे आपको पता है विंटर्स आर हियर और हमें कुछ चीजें ऑब्वियसली चेंज करनी पड़ेगी। अपना मॉइस्चराइजर, कुछ बॉडी बटर्स लेने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ड्राइनेस होती है। सो मैंने कुछ ऐसी चीजें ली है ना जो आपको बहुत काम आने वाली है विंटर्स में। सो चलिए देख लेते हैं मैंने क्या क्या बाय किया है। सो इन सारी चीजों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएंगे, माय हॉल स्टोर लिंक, उसके साथ साथ इंडिविजुअल लिंक्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी जो चीज मैंने सेकेंड टाइम बाय करी है। सो मुझे ये PR में रिसीव हुई थी। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड गुड वाइब्स। दिस इज देयर ग्रीन टी ग्लो टोनर। सो मैंने ये थोड़ा सा यूज किया था, उसके बाद मेरी सिस्टर ने इससे मुझसे ले लिया था, उसे बहुत ज्यादा पसंद आया था। सो मैंने सोचा चलो कुछ चीजें बाय कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है तो मैंने ये बाय किया है। सो ये ग्रीन टी वेरिएंट है आपका टोनर का, बहुत ज्यादा माइल्ड है, बहुत अच्छी खुशबू है। इस तरह के स्प्रे के साथ आता है, आप देख सकते हो कितना फाइन स्प्रे है। ऑब्वियसली खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी, लाइक ग्रीन टी की तरह खुशबू है। ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और अल्कोहल नहीं है इसमें। तो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ये मैंने PR में जरूर रिसीव किया था बट उसके बाद मैंने खुद से ये बाय किया है। सो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। सो अगर आप कोई बहुत ज्यादा माइल्ड सा टोनर ढूंढ रहे हो एट एन अफोर्डेबल प्राइस, तो आप डेफिनेटली से ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट चीज की बात कर ली जाए, अगेन मैंने गुड वाइब्स की तरफ से ये फेस पैक लिया है। सो आजकल मैं बहुत ज़्यादा फेस पैक्स यूज़ कर रही हूँ और मेरे फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीरियड्स। सो उस टाइम मैं फेस पैक्स यूज़ करना प्रेफर करती हूँ। सो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग लाइक गुड वाइब्स की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरह का पिंक क्ले मास्क है, वेरिएंट है ये रेस्पबेरी एंड पेपरमिंट का फेस पैक है। सो आप इसकी पैकेजिंग देख लो कितनी ज्यादा क्लासी है विद दिस गोल्डन लिड। सो मुझे इसकी पैकेजिंग सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पसंद आई। उसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इस तरह की प्रोटेक्टिंग लिड के साथ आता है। इसकी खुशबू ना बिल्कुल कैंडी की तरह, अभी तक मैंने ट्राई तो नहीं किया है बट हाँ मैं इसका रिव्यू बनाऊंगी यूज करने के बाद। मुझे काफी अच्छी डील पे मिला था। इसका एक्चुअल प्राइस है 235 बट मुझे आई थिंक 130 और 140 के करीब मिला था। कोई लाइटनिंग डील चल रही थी तो मैंने उस टाइम इससे बाय किया था। तो जो मैंने नेक्स्ट चीज बाय करी है, जैसे मैं आपको बोल रही थी सर्दी आ चुकी है, बॉडी बटर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैंने प्लम का ये बॉडी बटर ट्राई किया है। पूरा कितना बड़ा टब है आप देख सकते हो। इसमें आपको 200 ग्राम्स की क्वांटिटी मिल जाती है। जो इसका MRP है इट्स 525 बट आई थिंक मैंने 350 या 340 के करीब पे किया है क्योंकि सेल के टाइम पे आपको बहुत अच्छे प्राइस पे मिल जाती है। आए दिन सेल्स चली रहती है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कर सकते हो। सो ये उनका वेनिला वर्जन है, आप देख सकते हो अंदर से कितना यमी दिख रहा है एंड इट एक्चुअली स्मेल्स लाइक वेनिला। बहुत ही अच्छी खुशबू, मेरा मन कर रहा है इसको मैं खा लूं बट आई कांट ईट दिस। सो ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया। मैंने हल्का सा लगा के भी देखा था कल तो मुझे काफी अच्छा लगा। अभी तो मैं यूज कर रही हूँ, आने वाले टाइम में आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगी। सो नेक्स्ट चीज जो मैंने बाय करी है, नेक्स्ट एंड लास्ट चीज इज अ मॉइस्चराइजर। सो मैं एक नया मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहती थी तो मैंने ये लोटस का नया मॉइस्चराइजर ट्राई किया है। दिस इज देयर फाइटो RX वाली रेंज। तो ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव वाली रेंज है लोटस की। ये प्रिजर्वेटिव फ्री है, फ्री फ्रॉम आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस एंड कलर, दिस इज दैट। और ये ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। सो मैंने सुना था कि ये बहुत ज्यादा डीपली मॉइस्चराइज करती है आपकी स्किन को। सो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखती है। लोटस की जो पैकेजिंग होती है ना बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगेन ग्लास टब है, बहुत ज्यादा हैवी बॉटल है, नॉट बॉटल टब है। और अंदर से ये कुछ इस तरह से दिखता है। इस तरह से मैं आपको दिखा दूं तो बहुत ज्यादा थिक है लाइक यू कैन सी। सो जिसकी खुशबू है ना मुझे बिल्कुल बोरोलिन की तरह लगती है और काफी ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है। आज मैंने मेकअप करने से पहले यही अप्लाई करी थी। बिल्कुल भी आपके फेस पे व्हाइट कास्ट नहीं देखती है। अगेन बहुत इजीली ब्लेंड हो जाती है, यू कैन सी दैट। सो अभी मैं इसे यूज ही कर रही हूँ, ट्राई करूंगी उसके बाद आपके लिए इसका रिव्यू जल्द से लेकर आऊंगी। सो मुझे अभी तक काफी ज्यादा अच्छा लगा। आज मैंने इसे फेस पे अप्लाई किया तो मैंने कोई एक्स्ट्रा प्राइमर यूज नहीं किया, कोई फेशियल ऑयल नहीं यूज किया, बस यही यूज किया और इसने मेरी स्किन को काफी अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया। सो आई थिंक फॉर विंटर्स दिस इज रियली नाइस। बाकी धीरे धीरे पता चलेगा कैसा वर्क करता है। गाइस दैट्स अबाउट दिस हॉल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।